नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी के लेट्स ट्राई नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर अंबुज मित्तल आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने मेटलिक पॉइजनिंग के बारे में मैं आपको पूरा बताऊँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अन अकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अंबुज मित्तल है और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। एंड सून आफ्टर माई पास आउट मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक मैंने पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी में मेटलिक पॉइजनिंग मैंने टॉपिक लिया है। अनअकैडमी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। अनअकैडमी में भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं, डर्मेटोलॉजी पार्ट सी, कुछ बैच कोर्सेज भी रहेंगे, फाउंडेशन कोर्सेज हैं, या एम्स है की पीजीआई की जितनी भी हैं उन सब की प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे। इसमें ये जो एजुकेटर्स हैं ये आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। इन स्पेशल क्लासेस के लिए अलग अलग एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे लूँ तो अगर आप इंटर्न हैं तो इंटर्न का कभी कुछ टाइमिंग में पोस्टिंग होती है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, तो अभी घबराने का कोई बात नहीं है। यहाँ अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप अपने हिसाब से आप जब चाहें यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेज में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्विजेस दे सकते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्विजेस हैं। इन क्विजेस से आपको अपनी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। आप अगर बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और आप बस हमसे जुड़ जाएंगे और फिर आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप कहीं पे भी बैठ के आप नीट पीजी की तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, लर्न एनी टाइम एनी वेयर। आपको बस करना ये है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेने, सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। जैसे आप देख सकते हैं 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 40,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो ये आपको सिर्फ 36,000 का पड़ेगा। तो 2 साल के लिए दोस्तों 36,000 बहुत ही अच्छे चार्जेस हैं। ऐसे अगर मैं और भी सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो अगर 3 मंथ लेते हैं तो 3 मंथ का मेरा कोड यूज़ करने के बाद LIVEDRAM ये यूज़ करने के बाद आपको सिर्फ 11,250 का पड़ेगा। अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूँ तो 6 मंथ्स का मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको सिर्फ 18,000 का पड़ेगा। अगर मैं 12 मंथ की बात करूँ, 1 साल की बात करूँ, तो 1 साल के लिए मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये 22,500 का पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल के लिए मेरा कोड यूज़ करने के बाद LIVEDRAM ये यूज़ करने के बाद ये आपको सिर्फ 36,000 का पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटलिक पॉइजनिंग के बारे में। मेटलिक पॉइजनिंग में जैसे आप जानते होंगे, कल के वीडियो में मैंने आर्सेनिक पॉइजनिंग पूरी समझा दी थी, लेकिन तब भी यहाँ पे रिवाइज करते हैं। जो कल जो मैंने आपको निमोनिक दिए थे वो मैंने 2 निमोनिक दिए थे। एक ये वाला निमोनिक दिया था जिसमें था मा मी ना नी रा री फाफी पूपे। तो एम ए से था मार्स टेस्ट, एम ई से था मीज लाइन, मीज एलरिच लाइन जो कि ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, इसका मैंने इमेज दिखाया था, नेल्स के ऊपर ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं ऐसे करके। और एन ए से था नोजिया, एन ई से था न्यूराइटिस, न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सेंसरो मोटर टाइप की होती है। आर ए से था रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, या फिर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। आर ई से था रेड वेलवेटी स्टोमक अपीयरेंस होता है इसके अंदर, ये क्या करता है, रिटार्डेशन ऑफ डिकम्पोजिशन यानी पिट्रिफिकेशन को रिटार्ड करता है। रिंस टेस्ट, इसके अंदर रिंस टेस्ट की मदद से हम आर्सेनिक पॉइजनिंग का पता लगाते हैं। राइगर मोर्टिस को थोड़ा लॉन्ग करता ही है। जो फेटल डोज था वो था 120 से 200 mg, लेकिन अगर मैं इसके अंदर आर्सिनोफेजिस्ट की बात करूँ तो ये वो लोग होते हैं जो 3 ग्राम तक के डोज को टॉलरेट कर लेते हैं। अगर एफई से बात करूं तो फेरिक क्लोराइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड सॉल्यूशन इज यूज इन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की अगर बात आई तो यहाँ पे BAL जो डाइमर कैप्रोल होता है वो भी इसका एंटीडोट है, ये भी इसका एंटीडोट है।
पी यू से बात करूँ तो जैसे मैंने बताया पिट्रिफिकेशन रेट इज रिटार्डेड, पीई से बात करूँ तो पिटिकल हेमरेज इन द एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो मैंने दूसरा निमोनिक जो मैंने दिया था वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। जो दूसरा निमोनिक मैंने दिया था वो थोड़ा इजी था, शॉर्ट था, वो था आर्सेनिक GBL। आर्सेनिक GBL। तो अगर मैं ए से बात करूं, ए से था एल्ड्रिज मीज लाइन, एल्ड्रिज मीज लाइन। दूसरे ए से था आर्सिनोफेजिस्ट, आर्सिनोफेजिस्ट वो होते हैं जो जिनकी टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी होती है, मतलब वो 0.3 ग्राम तक के आर्सेनिक पॉइजनिंग को टॉलरेट कर लेते हैं। आर से अगर बात करूँ तो आर से तीन चार थे, एक था रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन और था रिंस टेस्ट। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन एक आर से था रेड वेलवेटी म्यूकोसा, एक आर से था रीन्स टेस्ट। एस से बात करते हैं, एस से था आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जिसके दो एग्जाम्पल था सोमाल संख्य और सोमालकर। ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का एग्जाम्पल था। फिर ई से बात करते हैं, ई से था एक्सटेंसिव पिगमेंटेशन ऑफ फीट एंड हैंड। फिर एन से था न्यूरोपैथी न्यूराइटिस। एन हो गया। फिर आई से था इम्बिबिशन ऑफ आर्सेनिक, इसका मतलब ये हो गया आर्सेनिक जो है सराउंडिंग सॉइल से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है डेथ के बाद। सी से था कॉलेरा की तरह मिमिक करता है। फिर जी से था गार्लिक की स्मेल आता है और गोल्डन हेयर्स हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हेयर्स हो जाते हैं। जी से था बी से था बाल, इसका जो है एंटीडोट होता है, बी से जो बाल का फुल फॉर्म है वो है ब्रिटिश एंटी लिवरसाइट। और एल से था एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में लीवर में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है लीवर सैंपल। तो देखा दोस्तों, ये दो निमोनिक मैंने दिए थे जिसके अंदर ये काफ़ी फेवरेट है स्टूडेंट्स के बीच में, आर्सेनिक GBL। तो चलिए बाकी मेटलिक पॉइजनिंग की बात करते हैं।
आज जो मैंने मेटलिक पॉइजनिंग मैंने लिया है वो मैंने लिया है, पहला जो लिया है वो लिया है लेड। तो चलिए लेड के बारे में निमोनिक जानते हैं। इसका जो निमोनिक है वो है न्यू ए बी सी डी ई एफ। चलिए जानते हैं, जो न्यू है वो उसका एन लेते हैं, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। ए से है एनीमिया विद पंक्टेट बेसोफीलिया, जिसको हम बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट बी है वो है बर्टोनियन लाइन। सी से है कॉलिक और कॉन्स्टिपेशन। डी से है ड्राई बेली एक। इसके अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंट वो है ड्रॉप, यानी फिश ड्रॉप या फिर फूड ड्रॉप ड्यू टू न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी की वजह से ड्रॉप देखा जाता है। ई है एनसेफलोपैथी। एफ है फेशियल पैलर। फेशियल पैलर जो है अर्लीस्ट साइन है। तो चलिए ये जो निमोनिक है इसको डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। ये पूरा चार्ट है, आप चाहें तो इसके अंदर जो ज़्यादा हाईलाइटेड है उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। जो आपका जो लेड पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग के सॉल्ट के बारे में पहले जानते हैं। जो सॉल्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे लेड एसीटेट, लेड क्रोमेट, लेड मोनोऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, लेड सल्फाइड। जो लेड सल्फाइड है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ मैं तो फेशियल पैलर देखा जाता है, ये अर्लीस्ट साइन में से एक है। बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग देखी जाती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जो था, तो उसके अंदर एफ हमारा हो गया, बी हमारा हो गया, तो लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ। तो हमारा एफ हो गया, बी हो गया। बी से एक और था बर्टोलियन लाइंस। फिर सी से था कॉलिक या फिर कॉन्स्टिपेशन, सी हो गया। पैलिसिस या फिर एनसेफलोपैथी, एनसेफलोपैथी से ई हो गया हमारा। डी से ड्रॉप, फुट ड्रॉप या फिर रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप या फिर फुट ड्रॉप, तो डी हो गया। ए से था एनीमिया। तो एनीमिया की जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख देता हूं एनीमिया। ये रहा एनीमिया, एनीमिया विद पंक्टेट बेसोफिलिया, बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग। तो ये हमारा निमोनिक पूरा इससे कवर हो जाता है। अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूं, लेड पॉइजनिंग की डायग्नोसिस की बात करूं, लेड पॉइजनिंग की डायग्नोसिस की बात करूं, तो जो जो ब्लड टेस्ट होता है उसके अंदर मोर देन 200 पंक्टेट बेसोफिलिया स्ट्रिपलिंग, यानी कि बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग हमें देखी जाती है इसके अंदर। और अगर मैं यूरिन टेस्ट की बात करूं तो यूरिन टेस्ट में इंक्रीज्ड कॉप्रोपोरफायरिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं नॉन एक्सपोज पर्सन की बात करूं तो उसकी जो लेवल होगी वो लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर होगी। तो अगर क्वेश्चन लेते हैं, एक प्लम्बिज्म इज कॉज्ड बाई, तो लेड पॉइजनिंग को हम प्लम्बिज्म के नाम से भी जानते हैं। बर्टोलियन लाइन इज सीन विथ पॉइजनिंग ऑफ, तो जैसे मैंने आपको समझाया था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो उसके अंदर बी जो था वो था बर्टोलियन लाइंस। तो ये हमारा लेड पॉइजनिंग के अंदर हमें देखा जाता है। इन नॉन एक्सपोज पर्सन द लेवल ऑफ कॉप्रोपोरफायरिन इन यूरिन इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नॉन एक्सपोज पर्सन होते हैं उसका जो लेवल होता है वो लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 150, लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था दो टाइप के टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ब्लड यूरिन टेस्ट के अंदर जो जो पॉइजनिंग होगी उस पॉइजनिंग में कॉप्रोपोरफायरिन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो नॉन एक्सपोज पर्सन होंगे उसके अंदर लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हो गया ए, लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर। लेस देन 1000 माइक्रोग्राम नहीं होगा, लेस देन मोर देन 500 नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं है। तो आंसर ए इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं। लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ लेड इज, जैसे मैंने आपको लेड के निमोनिक के बाद मैंने आपको पूरा उसका डिस्क्राइब किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो पॉइजनस सॉल्ट हैं, तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, लेड एसीटेट, लेड कार्बोनेट, लेड मोनोऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, लेकिन जो लेड सल्फाइड इज लीस्ट टॉक्सिक, तो क्वेश्चन के अंदर ये चीज पूछा गया है, तो ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है लेड सल्फाइड। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, लेड एसीटेट, लेड ऑक्साइड, लेड लेड कार्बोनेट, लेड सल्फाइड, तो डी इसका हो गया आंसर। ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्ट पूछा गया है, तो जो हमारा निमोनिक था न्यू ए बी सी डी ई, न्यू ए बी सी डी ई एफ, तो हमारा जो निमोनिक था उसके अंदर ई से था एनसेफलोपैथी, बी से था बर्टोनियल लाइन, सी से था कोलिक कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, लेकिन कहीं पे भी क्यूटेनियस ब्लिस्टर नहीं था। तो यहां पे पूछा गया एक्सेप्ट, तो अगर एक्सेप्ट है तो सी हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए पीजीआई का क्वेश्चन होता और यहाँ पे एक्सेप्ट हटा दिया गया होता, तो इसके जो ऑप्शंस होते हो वो होते ए बी और डी, अगर पीजीआई का क्वेश्चन होता और यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता। तो देखा लेड पॉइजनिंग के केस में जो निमोनिक है न्यू ए बी सी डी ई एफ, इससे हमारे सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। विच इज एक्सक्रीटेड टिपिकली इन लेड पॉइजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कॉप्रोपोरफायरिन जो होता है वो एक्सक्रीटेड करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंक्रीज्ड कॉप्रोपोरफायरिन लेवल होता है लेड पॉइजनिंग के केस में, और नॉन एक्सपोज पर्सन के अंदर ये जो वैल्यू होती लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर। इसके ना ये और ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ 0.25 mg लेड पर लीटर इज डायग्नोस्टिक, तो अगर मान लीजिए यूरिन सैंपल के अंदर 0.25 मिलीग्राम अगर मिलता है एक लीटर में, तो वो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो जाता है। तो इसका तो यहाँ पे ये जो कॉर्पोप्रोफाइलिन लेवल है वो हम यूरिन टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस्ट करेंगे, तो लेड पॉइजनिंग केस के अंदर ये एक्सक्रीट होता है, तो इसका आंसर हो गया बी कॉर्पोप्रोफाइलिन। तो लेड पॉइजनिंग के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं मर्करी पॉइजनिंग के अंदर। मर्करी को जो हम डिनोट करते हैं वो हम HG से भी डिनोट करते हैं, तो रिथिज्म अकर्स इन, ये मर्करी पॉइजनिंग के अंदर देखा जाता है, तो ये हो गया इसका आंसर मर्करी। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं मर्करी के बारे में। क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग प्रेजेंट विद एक्सेसिव सलाइवेशन, तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट मिल गया वो हो गया एक्सेसिव सलाइवेशन, इसके अंदर देखा जाता है डिप्थीरिया लाइक मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, डिसेंट्री एंड मेम्ब्रेनस ग्लोमेरोनेफ्राइटिस, कोर्स ट्रीमर, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, PCT नेक्रोसिस यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल नेक्रोसिस, पिंग डिजीज, एरिथिज्म जो हमारा क्वेश्चन था एरिथिज्म, दैट इज डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी इन फॉर्म ऑफ एक्सेसिव शाइनेस एंड इरिटेबिलिटी एंड मर्क्यूरियल लेंटिस होता है ब्राउन स्पॉट ऑन एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस। तो क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग के केस में ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। सबसे पहला जो देखा जाएगा एक्सेसिव सलाइवेशन देखा जाएगा, जो इसके अंदर मेम्ब्रेनस कोलाइटिस देखा जाएगा, इसके अंदर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरोनेफ्राइटिस भी देखा जाएगा, ट्रेमर्स देखा जाएगा, इंसोम्निया देखा जाएगा, एनोरेक्सिया देखा जाएगा, PCT नेक्रोसिस देखा जाएगा, पिंक डिजीज देखा जाएगा, इसके अंदर शाइनेस और इरिटेबिलिटी वगैरह जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो भी देखा जाएगा, और जो आईज के जो एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस है उसके अंदर ब्राउन स्पॉट देखा जाएगा। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, तो इसका जो निमोनिक है एक्सेसिव डीप मेम्ब्रेन ऑफ ब्लू ब्लैक शेड कोट इन अ प्रॉक्सिमा पिंक एरिया डिस्टर्ब पर्सनैलिटी एंड लेड टू मर्करी पॉइजनिंग, ये थोड़ा है तो बड़ा, इसके लिए मैंने एक निमोनिक और दिया हुआ है, दो निमोनिक मैंने दिए हैं इसके अंदर, एक हो गया ये, एक निमोनिक और है जो मैं आगे चल के इसको बताऊंगा मर्करी पॉइजनिंग के केस में।
तो चलिए पहले ये इस निमोनिक के बारे में जान लेते हैं। पहला है एक्सेसिव, एक्सेसिव के अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन। डीप मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन वर्ड है उससे आया है मेम्ब्रेनस कोलाइटिस या फिर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरोनेफ्राइटिस। फिर है ब्लू ब्लैक शेड कोट, तो ब्लू ब्लैक से ब्लू ब्लैक लाइन ऑन गम एंड जिंजिवाइटिस। शेड कोट के बारे में अगर हम बात करें तो कोर्स कोट कोर्स, तो ये थोड़ा सा राइमिंग बन रही है, तो कोर्स इंटेंशनल ट्रेमर्स। इन ट्रेमर्स को जो हम बोलते हुए इनका जो दूसरा नाम है वो है डनबरी या फिर हेटर्स या फिर ग्लास ब्लोअर शेक्स और शेकी पैरालिसिस भी इसको बोला जाता है। इन से है इंसोमनिया, ए से है एनोरेक्सिया, प्रोक्सिमा से है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स यानी पीसीटी नेक्रोसिस। पिंक डिजीज, पिंक डिजीज के अंदर 5 P's होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको एक्रोडाइनिया भी बोला जाता है। एक्रोडाइनिया के अंदर पिंक पफी पेनफुल पैस्थीशिया हैंड एंड फीट विथ पीलिंग ऑफ स्किन एंड शेडिंग ऑफ टीथ। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 P's आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। एरिया की बात करें तो एरिया जो है दोनों साउंड सेम साउंड करें, एरिया एरिथिज्म। डिस्टर्ब पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी की जो अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको वर्ड बताया था इसके अंदर एरिथिज्म यही उसका मतलब है, पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। शाइनेस, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ मेमोरी, इंसोम्निया एंड ट्रेमर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेड टू मर्क्यूरी पॉइजनिंग, इसका जो निमोनिक है वो है लेंटिस मर्क्यूरियर यानी कि मर्क्यूरियल लेंटिस मैंने आपको जैसे बताया था, एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस में ब्राउन स्पॉट देखा जाता है, उसी को बोलते हैं मर्क्यूरिया लेंटिस। तो जो मैंने स्पेसिफिक डिजीज जो मैंने बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एरिथिज्म जो होता है पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस करेक्टराइज बाय साइनस, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, लॉस ऑफ मेमोरी एंड इंसोमनिया। कॉमन इन वर्कर ऑफ मिरर इंडस्ट्री, मिरर इंडस्ट्रीज या फिर ग्लास ब्लोअर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी होता है प्लस उसके अंदर मर्क्यूरी रिलेटेड वर्क भी होता है, तो इसी वजह से उन वर्कर्स के अंदर ये पॉइजनिंग ज़्यादा देखी जाती है, ये डिजीज देखी जाती है। इस डिजीज का नाम है एरिथिज्म। न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस इसके अंदर होते हैं। अगर मैं ट्रिमर्स की बात करूँ तो मॉडरेटरी कोर्स इंटेंशनल ट्रिमर्स इफेक्टिव हैंड फर्स्ट फॉलोड बाय लिप्स एंड टंग फाइनली आर्म एंड लेग विच इज इंटर स्प्रेड बाई जर्की मूवमेंट्स। जो जो ट्रिमर्स हैं इनका दूसरा नाम है डनबरी, हेटर्स, ग्लास ब्लोअर्स, शेक। ग्लास ब्लोअर इसलिए बोला जाता है जो मिरर वगैरह जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर में ग्लास वगैरह का वर्क होता है, तो इसलिए ग्लास ब्लोअर शेक इसको बोला जाता है। शेकिंग पैरालिसिस भी इसका दूसरा नाम है। मर्क्यूरियल लेंटिस जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, अभी मैं फिर डिस्कस कर देता हूँ। जो एंटीरियर कैप्सूल है आईज का उसके अंदर ब्राउनिश डिपोजिशन देखी जाती है मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से। इट इज़ एन अर्ली फीचर सीन इन स्पिरिट लैम्प एग्जामिनेशन एज माल्ट ब्राउन रिफ्लेक्स, नो इफेक्ट ऑन विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो एंटीरियर कैप्सूल होगा उसके अंदर ब्राउनिश डिपोजिशन देखा जाता है। एक्रोडेनिया जैसे मैंने आपको बताया था, पिंक डिजीज जैसे पी यहाँ से वर्ड है तो यहाँ पे 5 P's आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पिंकिश बॉडी रैश स्टार्टिंग फ्रॉम टिप्स ऑफ फिंगर एंड टोस, 5 P's की जैसे मैंने निमोनिक यहाँ पे दिया था, तो पिंकिश पफी पेनफुल पैस्थेटिक विथ पीलिंग ऑफ स्किन एंड शेडिंग ऑफ टीथ। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 5 P's आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जो मर्करी पॉइजनिंग के जो अदर फीचर्स हैं वो हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरोनेफ्राइटिस, पीसीटी नेक्रोसिस, एबॉर्शन इज कॉमन, और इसके अंदर जो एक और जो चीज़ ध्यान हमें रखनी पड़ेगी वो है मिनी मार्टर डिजीज इज अ ऑर्गेनिक मर्करी पॉइजनिंग ड्यू टू ईटिंग ऑफ फिश पॉइजनिंग बाई मर्करी। तो एक मीना माटा डिजीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब के मैं कल एक इमेज जितनी भी होगी मैं सारे उसको आपको प्रेजेंट करूंगा, आज मैं आपको थ्योरी और MCQs इसके
सॉल्व करवाऊंगा। और कल मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन और इमेज बेस्ड पिक्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि नीट में आज के टाइम पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा इंक्रीज हो गया है। तो जैसे मैंने आपको एक निमोनिक तो पहले दे दिया था, दूसरे निमोनिक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो थोड़ा जान लेते हैं। क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग, इसको हाइड्रोगिज्म भी बोला जाता है। तो जो मर्करी को हिंदी में बोला था पारा, तो मेटलिक मर्करी, तो और क्विक सिल्वर भी इसको बोला जाता है। इज नॉट पॉइजनस इज इफ सॉलोड बिकॉज इट इज नॉट एब्जॉर्ब, लेकिन जो इसके वेपर्स होते हैं, बट इज वेपर्स आर पॉइजनस। मर्क्यूरी कंपाउंड बींग सॉल्यूबल आर मेड पॉइजनस देन मर्क्यूरियस। जब जो मर्क्यूरी कंपाउंड हैं आर बींग सॉल्यूबल आर मोर पॉइजनस। मर्क्यूरी कंपाउंड ज़्यादा पॉइजनस है मर्क्यूरियस से। मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट ऑफ मरकरी है। इट क्लिनिकली प्रेजेंट विथ मर्क्यूरियल एंटिस, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, रिथिज्म, एक्रोडाइनिया, ट्रेमर्स, सलाइवेशन एंड जिंजिवाइटिस। तो जो इसका जो निमोनिक है वो है मीट। तो पहले मैंने आपको एक निमोनिक दिया था बड़ा सा, एक ही छोटा सा निमोनिक है, वो है मीट्स। एम से है मर्क्यूरियल एंटिस, यहाँ पे दो दो एम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। एक से है मर्क्यूरियल एंटिस, एक से मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, फिर ई से है रिथिज्म, फिर ए से है एक्रोडाइनिया, फिर टी से है ट्रेमर्स और एस से है सलाइवेशन। तो ये हमारा एक और निमोनिक बन गया। ये निमोनिक है मीट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल एम, हालांकि कैलकुलेट होगा एम ई ए टी एच। ये हो गया इसका एक और निमोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्रॉनिक मर्कुरी पॉइजनिंग। क्रॉनिक मर्कुरी पॉइजनिंग के केस में इसमें से क्या चीज सही है? तो जैसे हमने मीट एक निमोनिक देखा था हमने, तो इसका पीजीआई का क्वेश्चन है, कोज ट्रेमर्स, फाइन ट्रेमर्स नहीं, लॉस ऑफ स्किल एक्टिविटी नहीं, इनएप्रोप्रिएट साइनस एंड इरेटेबिलिटी एंड ब्राउन स्पॉट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ लेंस। तो पीजीआई क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो टी से था ट्रेमर्स, इनएप्रोप्रिएट साइनस एंड इरेटेबिलिटी, इसका जो नाम था वो था एक्रोडाइनिया, सॉरी इरिथिज्म, वो था इरिथिज्म, इरिथिज्म, ब्राउनिश स्पॉट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ लेंस, ये था मर्क्यूरियल लेंटिस। तो देखा ये जो निमोनिक है इससे हमारा ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। मर्करी पॉइजन एक्ट ऑन, जैसे मैंने आपको बताया था पीसीटी पे वो एक्ट करता है, पीसीटी नेक्रोसिस वो करता है, पीसीटी नेक्रोसिस करता है। तो हम देखते हैं पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले या फिर कलेक्टिंग डक। तो हमारा तो जो मर्करी जो पॉइजन होता है वो हमारा पीसीटी पे एक्ट करता है, तो इसका आंसर हो गया ए। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एक्रोडाइनिया जो था पिंक डिजीज बोलते हैं, इसके अंदर 5 P's हमें याद रखने पड़ेंगे। 5 P's था पिंकिश, पफी, पेनफुल, पैसेथिक या फिर पीलिंग ऑफ स्किन। जो अदर फीचर्स थे वो थे मेम्ब्रेनस ग्लोमेरो पैथी, पीसीटी नेक्रोसिस। पीसीटी नेक्रोसिस जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मर्क्यूरी पॉइजनिंग एक्ट्स ऑन पीसीटी, मीनामाटा डिजीज। तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। एक्रोडाइनिया इज एसोसिएटेड विथ, तो आपके लिए ये आसान हो गया होगा, इसका आंसर है ए मर्कुरी। द मोस्ट पॉइजनस मर्कुरी सॉल्ट इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी मैं फिर से आपको बता देता हूं। मर्कुरी क्लोराइड इज मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट ऑफ मर्करी, कोरोसिव, सब
लिमेट और परक्लोराइड ऑफ मरकरी HgCl2। जो मरकरी क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है HgCl2। ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस सॉल्ट है मरकरी का। तो क्लोराइड, ऑक्साइड, साइनाइड या फिर क्रोमेट, तो ए हो गया इसका आंसर। इसका जो फॉर्मूला था HgCl2, यह आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर मैं फिर से ये रिवाइज करवा देता हूँ। मीट, जो मीट्स है इसका एक और निमोनिक है, मर्क्यूरियल एंटिस, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एरिथिज्म, एक्रोडाइनिया, ट्रिमर्स, सलाइवेशन। तो चलिए, हमने स्टार्टिंग में आर्सेनिक पॉइजनिंग करवाई थी, फिर मैंने लेड पॉइजनिंग कराई थी, फिर मर्करी पॉइजनिंग मैंने करवाई थी। तो मेटलिक पॉइजन के अंदर हमारे 3 पॉइजन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्पल लाइनिंग ओवर गम्स इज सीन इन विच क्रॉनिक पॉइजनिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कॉपर के अंदर ग्रीन पर्पल लाइन ऑफ गम्स देखे जाते हैं। जैसे एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्सेनिक के केस में गोल्डन कलर देखा था, ये जो येलो कलर है इसको गोल्डन कलर भी बोला जा सकता है। गोल्डन कलर के हेयर्स हो जाते हैं। सीयू यानी कि कॉपर, कॉपर के केस के अंदर ग्रीन पर्पल लाइन ऑफ गम्स देखे जाते हैं, लेकिन अगर मैं हेयर और स्किन की बात करूँ तो ग्रीनिश ब्लू कलर इसके अंदर देखा जाते हैं। मर्करी के केस में जैसे मैंने आपको जो पहला जो निमोनिक जो दिया था उसके उस केस में था ब्राउन या फिर ब्लैक ब्लू लाइंस ऑन गम्स। फिर मर्क्यूरियल एंटिस मैंने बताया था, एंटीरियर कैप्सूल के अंदर ब्राउनिश डिपोजिशन देखा जाता है। एक्रोडाइनिया था पिंक डिजीज, पीबी यानी लेड, लेड के अंदर हमने बर्टोलियन लाइंस देखे थे, ब्लू स्टिपलिंग बर्टोलियन लाइंस ऑन गम्स देखे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पर्पल लाइन के ऊपर पूछा गया, तो पर्पल लाइन कॉपर्स के केस में देखा जाता है। तो पर्पल लाइन मैं आपको फिर से बताया, तो ग्रीन पर्पल लाइन ऑन गम्स। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी, कॉपर। तो चलिए कॉपर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द एवरेज फेटल पीरियड ऑफ कॉपर पॉइजनिंग इज, कॉपर पॉइजनिंग का जो फेटल पीरियड है उसके बारे में पूछा गया है। कॉपर का जो फेटल पीरियड है वो जनरली 1 से 3 दिन का होता है। तो अगर मैं इस ऑप्शंस की बात करूँ, 30 से 60 मिनट, 1 से 3 दिन, 3 से 7 दिन, 7 से 14 दिन, तो इसका जो आंसर है वो है 1 से 3 दिन। तो चलिए थोड़ा सा कॉपर पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कॉपर पॉइजनिंग के अंदर आप का जो स्पेसिफिक एंटीडोट है वो है पेनिसिलामीन। यहां लिखता हूं, यहां आसानी रहेगी। पेनिसिलामीन इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। फेटल डोज मैंने जैसे आपको यहां पे दिखाया था, फेटल डोज इसका जो था वो था 15 ग्राम। ग्रीन लाइंस ऑफ कर्व मैंने बताया था। अच्छा, एक जो लेड पॉइजनिंग के अंदर मैं बताना भूल गया, एक मिनट दोस्तों, चार्जिंग पे लगा लूं मैं। लेड पॉइजनिंग की मैंने जो एंटीडोट है वो मैंने नहीं बताई थी, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। चलिए यही बता देता हूं, लेड पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो है EDTA। तो इसका जो निमोनिक था ABCDEF, तो E से जो था EDTA भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल प्रोटीनोरिया एंड पेनफुल बोन लीजन आर सीन इन ओवरडोज ऑफ।
तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पीसीटी नेक्रोसिस एंड प्रोटीनूरिया। कैडमियम के केस में भी देखा जाता है, और कैडमियम के केस में ऑस्टियोमलेशिया, बोन पेन, मल्टीपल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। गोल्डन येलो स्टेनिंग ऑफ टीथ देखा जाता है कैडमियम पॉइजनिंग के केस में, और एम्फिसीमा या फिर एनीमिया भी देखा जाता है। मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लैक ब्लू लाइन ऑन गम्स देखा जाता है, ट्रिमर्स देखा जाता है, इरिथिज्म देखा जाता है, एक्रोडाइनिया देखा जाता है, मर्क्यूरियल एंटिस देखा जाता है। एक एक निमोनिक यहाँ पे हमें और मिल गया, ब्लैक टी एल सी। तो तीन निमोनिक हो गया मरकरी के लिए। फिनॉल जो है कार्बोलिक एसिड है, इसका जो निमोनिक है वो है सी, सब में सी आएगा, सी एन एस डिप्रेसेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल है देखा जाता है इसके अंदर फिनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड के केस में। कार्बोल यूरिया, कार्टिलेज एंड कॉर्नियल डिस्कलरेशन, ओक्रोनोसिस बोला जाता है। स्टोमक म्यूकोसाइज थिक एंड लेदरी एंड ब्राउनिश ग्रीन, रिटार्ड्स प्यूट्रिफिक्शन। तो जो क्वेश्चन जो हमारा था, इसके अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूबल प्रोटीनूरिया एंड पेनफुल बोन लीजन, तो हमारे तीनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो रहे हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूबल प्रोटीनूरिया और पेनफुल बोन लीजन, ये हमारा कैडमियम केस में हर चीज़ फुलफिल हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ए, कैडमियम। कैडमियम के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ऑस्टियोमलेशिया, बोन पेन, मल्टीपल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कैडमियम पॉइजनिंग के केस में। नेक्स्ट आते हैं, मेटल फ्यूम फीवर फीवर इज कॉमन इन क्रॉनिक पॉइजनिंग विद। मेटल फ्यूम फीवर के बारे में जानते हैं थोड़ा। मेटल फ्यूम फीवर, मेटल फ्यूम फीवर इज ए सेल्फ लिमिटिंग इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूट एक्सपोजर ऑफ फ्यूम और स्मोक ऑफ जिंक। मोस्ट कॉमन कॉपर, मैंगनीज, निकल, मरकरी एंड अदर वॉलेटाइल मेटल्स। जो मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो जिंक पॉइजनिंग के केस में देखा जाता है। तो इट इज कॉज प्राइमरी बाय एक्सपोजर टू जिंक ऑक्साइड फ्यूम ड्यूरिंग हीटिंग और वेल्डिंग गैल्वेनाइजिंग मेटल। जो सिम्टम्स हैं वो फीवर्स, फीवर, हेडेक, मसल एक, मलेज, फ्लू लाइक चिल्स, नोजिया, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, स्वेट, थ्रस्ट, फटीग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल विथ स्वेटिंग एंड चिल्स, मलेरिया लाइक सिम्टम्स। तो जिंक पॉइजनिंग के अंदर आपको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मलेरिया लाइक सिम्टम्स ऐसा करके एक क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, मेटल फ्यूम फीवर किसके लिए देखा जाता है, तो वो हमें जिंक के केस में देखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया जिंक। मेटल फ्यूम फीवर मोस्ट कॉमन सीन फ्यूम और स्मोक ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्सन प्रेजेंट टू द इमरजेंसी विज रैगर्स एंड चिल्स एंड द क्लिनिकल पिक्चर रिजेम्बलिंग मलेरिया। जैसे मैंने पिछले जो पेज में मैंने आपको दिखाया था कि मलेरिया की तरह रिजेम्बल करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग इज लाइकली। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मलेरिया लाइक सिम्टम्स इसके अंदर देखे जाते हैं। तो किसके अंदर देखे जाते हैं, जिंक पॉइजनिंग के केस में देखे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी, जिंक। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं। एक मोटिवेशन कोट देता हूं आपको, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो अभी जो आप प्रिपरेटरी फेज में हैं, इसके अंदर आप रुकिएगा नहीं, तब तक मत रुकिएगा जब तक आप एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई ना कर जाएं। एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे, आपको सीट मिलेगा, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आपको प्राउड फील होगा। तो आपको रुकना नहीं है जब तक आप प्राउड फील ना कर जाओ। ये मैं इसलिए ये लाइन मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये इमेज मैंने यहाँ पे इसलिए रखी हुई है ताकि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन जो फेज़ होता है, ये मैं समझ सकता हूँ बहुत डिप्रेसिंग फेज होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं, वो फिर तैयारी नहीं करते आगे। तो ऐसा ना करें,
अभी फैब चल रहा है, अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आप काफ़ी जल्दी अपना कोर्स ख़त्म करके आप रिवीजन पे आ सकते हैं। तो रुकिएगा नहीं, चलते रहिए। वो आपने कहावत तो सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। भले आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। इसका मतलब ये है कि आप नीट पीजी क्रैक ना कर जाओ, आपको तब तक रुकना नहीं है। तो चलिए आज की मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब का जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करके आपको हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM, ये यूज़ करना मत भूलिएगा। ये यूज़ करते ही आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू।